हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी। तो भैया, बिग बॉस 17 के घर से बहुत बड़ी और शॉकिंग न्यूज आ रही है कि एक कंटेस्टेंट का हो चुका है एविक्शन। जी हाँ, एक सदस्य का हो चुका है एविक्शन। पहले आपको पता ही है कि आयशा का एविक्शन हुआ था, तो डबल एविक्शन तो होने ही थे। अब दूसरा बंदा कौन है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। भैया, ये खबर बहुत शॉकिंग खबर है और ये न्यूज मेरे पास अभी अभी आई है, और सारे वीकेंड के अपडेट भी आए हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो खबर है, ये आपको झटका देकर जाएगी, क्योंकि ये खबर उतनी ही बड़ी है क्योंकि ना किसी ने एक्सेप्ट किया था, मतलब ना किसी ने एक्सेप्टेशन की थी कि भाई ये सदस्य घर से बेघर हो जाएगा। अब दरअसल चीज ये है कि आयशा तो पहले ही बाहर हो चुकी है। जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों ने खबर नहीं देखी है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आयशा को पब्लिक वोट्स के आधार पर एविक्ट कर दिया गया था। कि आपको पता ही है कि रोस्टिंग टास्क हुआ था जिसमें उनको सबसे कम वोट मिले थे, और उसी के आधार पे उन्हें एविक्ट कर दिया गया था। और अब आपको वीकेंड के बार पे भी आयशा देखने को नहीं मिलेगी। तो बचे वहां पर सिर्फ 7 लोग, और 5 लोगों को बिग बॉस ने फिनाले पे ले जाना है, और एक एविक्शन तो वहां पर होने वाला था जिसमें सबसे ज्यादा खतरा विक्की जैन और ईशा पे था। और पहले नंबर पे थी वहां पर अंकिता लोखंडे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ इनकी रैंकिंग, तो वैसे पहले नंबर पर वहां आयशा खान थी, पर बिग बॉस ने अपना खेल खेल कर आयशा को रोस्टिंग वाले टास्क में एविक्ट कर दिया, इसलिए अब आयशा तो रही नहीं। तो पहले नंबर पर वहां आ रही है अंकिता लोखंडे, और उसके बाद आ रही है ईशा, और उसके बाद आ रही है विक्की जैन। हमारे विक्की जैन अभी लास्ट पोजिशन पे है वहां पे। अब ऐसा है वहां की जो वोटिंग ट्रेंड हमारे पास आ चुके हैं, आपको मैं दरअसल बताना चाहूंगा कि मैटर ऐसा हुआ है कि जो बिग बॉस के घर से जिनका एविक्शन हुआ है, मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगा। ये आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये दिख रही है आपको ईशा की तस्वीर स्क्रीन पे। क्या इनका एविक्शन हुआ है? जी हाँ, ईशा हो गई है बिग बॉस 17 के घर से बेघर। ऐसी वहां पर खबरें आ रही है कि बिग बॉस से ईशा हो गई है बाहर। जो ईशा बिग बॉस की फेवरेट थी, जो ईशा को शो सपोर्ट कर रहा था, और ईशा का बॉयफ्रेंड तो अभी अभी बाहर पड़ा है भैया, और एक हफ्ते बाद ईशा को भी घर से बेघर कर दिया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि ये नाइंसाफी होगी अगर बिग बॉस विक्की को बाहर करेंगे, क्योंकि विक्की जैन ने शो को बहुत ज्यादा कंटेंट दिए एज अ कंपेयर ईशा, पर ईशा ने भी बहुत ज्यादा ही कंटेंट दिए एक तरफ से देखा जाए तो। बट ईशा को बिग बॉस ने फिलहाल, खबरें तो यही आ रही है, और खबरों के तहत ये है कि बिग बॉस ने ईशा को घर से बेघर कर दिया। और रीजन भी 101% यही होगा कि लो वोट्स, कम वोट्स, जो भी इन तीनों के बीच है वहां पे, क्योंकि बिग बॉस भी नहीं चाहेगा कि विक्की ने जो शो के लिए किया और विक्की को हम इतनी जल्दी बाहर जाने दें, क्योंकि भैया विक्की जैन करते हैं टॉप 5 में डिजर्व। अब देखो, आयशा चली गई, ईशा चली गई, अब बचा अरुण। अब अगला नंबर आएगा अरुण का, क्योंकि घर में बचे हैं सिर्फ 6 लोग और अरुण भी यहां तक पहुंच गया। अब 101% मुझे लगता है जो अगला जो एविक्शन होगा वो अरुण का हो सकता है, और अगर अरुण नहीं गया बाहर तो भैया अरुण तो जाएगा फिनाले में, और उसके बदले कोई बड़ा नाम घर से बेघर हो जाएगा। वैसे अरुण भी डिजर्व करता है, क्योंकि देखो सनी तहलका के जाने के बाद उसने अपनी गेम में सुधार किया है। और भैया चीजें ऐसी है कि मुनावर के फैंस का सपना था कि किसी को टनल के पास तक छोड़ के आना है, अब मुझे लगता है टनल के पास छोड़ने का सपना तो अब सपना ही रह गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि विक्की जैन को नहीं बिग बॉस ने बल्कि ईशा को घर से बेघर कर दिया है। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है कि डबल एविक्शन होना था और डबल एविक्शन हो चुका है। तो भैया, अब अगला एपिसोड देखेंगे और उसका हम रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू में हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ईशा को घर से बेघर करके बिग बॉस ने सही किया, या आपकी तरफ से विक्की का जाना सही बनता था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपना फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम भी मुझे जरूर बताना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा सपना देखा, वो आप लोगों ने पूरा करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।